दोस्तों सबसे पहले देखिए लोकेशन, ये है हमारा जो सामने आप दिखाई दे रही हो, चंडीगढ़ जीरकपुर अंबाला दिल्ली नेशनल हाईवे, और हम हैं लोहगढ़ टाउन सिटी जीरकपुर डिस्ट्रिक्ट मोहाली, और ये है पास में एक बड़ा सुंदर प्यारा पार्क जो कि म्यूनिसिपल कमेटी का पार्क है, और काफ़ी सुंदर बड़ा और प्यारा ये पार्क होने वाला है। और ये है इस प्रॉपर्टी के पास में सुंदर और प्यारा सा बड़ा विशाल सनातन धर्म मंदिर। तो दोस्तों हम प्रॉपर्टी पर पहुंच चुके हैं, 24x54 24x54 डायमेंशन का रहने वाला है, जो कि 144 गज का बनता है। 2 बेडरूम सेट नीचे, 2 बेडरूम सेट ऊपर, और टॉप फ्लोर पे 1 बेडरूम 1 वॉशरूम। तो दोस्तों अगर आप कोई रेंटल इनकम की प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हो, ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं जिसमें आप खुद रह भी सकें और आपको एक अच्छी रेंटल वैल्यू भी वहां से मिल जाए, तो लोहगढ़ की प्राइम लोकेशन पर 140 गज का 5 बेडरूम का ये विला हम आपके लिए लेके आए हैं, जिसकी कनेक्टिविटी 2 हाईवे से आती है। आप चाहो तो इसको पटियाला जीरकपुर पटियाला हाईवे से भी आ सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे चंडीगढ़ अंबाला हाईवे से भी यहाँ पर आ सकते हो। तो दोनों तरफ से कनेक्टिविटी इस विला की स्कोटी की रहने वाली है। अंदर एक पूरी बड़ी सेडान कार का पार्किंग है, एलिवेशन भी बड़ा शानदार था आपने देखा। यहाँ पे ये यूटिलिटी स्पेस है काफ़ी बड़ा है, तो आप यहाँ पे बाइक पार्किंग कर सकते हैं या वॉशिंग का काम कर सकते हैं। अच्छा, डबल डोर वेलकम एंट्रेंस पूरे विला के अंदर दिया गया है, दोनों तरह के डोर्स जो है वेलकम पे दिए गए हैं, मैश डोर और फ्लैश डोर दोनों इस प्रॉपर्टी के अंदर दिए गए हैं। दोस्तों प्रॉपर्टी काफ़ी बड़ी है और काफ़ी सुंदर बनी है, आप अभी आप देखेंगे इसको, और काफ़ी प्राइम लोकेशनों पर आती है जी। चलो दोस्तों चलते हैं इस विला के अंदर, इस कोठी के अंदर, और ये हमने एंटर कर लिया है। एंटर करते ही आप देख सकते हैं ये बड़े चौड़े फ्लश डोर आपको यहाँ पर इसकी कोठी के अंदर मिलने वाले हैं। एक चीज़ के लिए हम माफ़ी मांगना चाहेंगे, कोठी में फिलहाल लाइट नहीं था, तो थोड़ी सी वीडियो आपको डार्क देखने को मिलेगी। ये हमारा जो है डाइनिंग एरिया है, छत में शानदार डाउन सीलिंग और जो है 3D वॉलपेपर के साथ में LED लाइटों के साथ में नीचे इस पूरी कोठी के अंदर विला के अंदर टाइल फ्लोरिंग की गई है। हाँ, ये एक्स्ट्रा वुडन वर्क यहाँ पे हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। ये आपका बिल्कुल सेपरेट डाइनिंग एरिया आ गया, काफ़ी बड़ा है। जो इसके सामने ही आपको मिलता है फुली मॉडलर किचन, सी टाइप का हमें ये मॉडलर किचन मिलने वाला है, जिसके अंदर वुडन वर्क काफ़ी अच्छा करवाया गया है और सभी मॉडर्न इसके अंदर फिटिंग्स दिया गया है। वेंटिलेशन के लिए विंडो डबल सिंक का दिए गए हैं आपको, और सभी तरह के डोर बास्केट कैबिनेट जो बनाए गए हैं सभी हाइड्रोलिक हैं और सभी सॉफ्ट क्लोजर के साथ बनाए गए हैं। साथ में आपको ये कैबिनेट भी यहाँ पे दिया गया है, क्रॉकरी कैबिनेट आप इसको बना सकते हो। साथ में इसके अंदर आपको चिमनी लगा हुआ ऑलरेडी इनबिल्ट मिलता है। दोस्तों ओनर ने इसको बड़े ही प्यार से अपने लिए लिया था और उनकी यहाँ पे रहने की प्लानिंग थी, तो उन्होंने सारा सामान इसमें लगवा दिया था। इवन के सोफा सेट जो है ड्राइंग रूम के अंदर अभी भी पड़ा है, और चारों कमरों में बेडरूम भी अभी ऐसे ही एज इट इज लगे पड़े हैं, उन्होंने अभी तक इसको यूज़ भी नहीं किया है। तो ये हमारा ड्राइंग रूम रहेगा जो कि सेपरेट बनाए गए हैं और जिसमें डबल डोर एंट्री दी गई है आपको। ये एक LED TV के साथ में बड़ा कैबिनेट बनाए गए हैं, यहाँ पे आप अपना 52 इंच तक का LED TV लगा सकते हो। वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखा गया है, इसलिए नेचुरल लाइट आप घर के अंदर देख सकते हो। एक बेडरूम हमारा वो हो गया जिसको हम ड्राइंग रूम कहते हैं, सेकेंड हमारा ये बेडरूम रहने वाला है। ये हमारा सेकेंड बेडरूम है, आपको इसके अंदर क्या है वुडन वर्क काफ़ी हैवी मिलेगा, छत में डाउन सीलिंग कंसील्ड लाइटों के साथ में, और ये ए शेप के इसमें जो है वार्डरोब्स बनाए गए हैं जिसके अंदर बेड इनबिल्ट है, अंदर ही लग जाता है, और बेड इसमें लगा हुआ मिला है। ओनर की जो डिमांड है, अगर उस डिमांड के मुताबिक हम उसको पेमेंट करते हैं, तो ये सारा फर्नीचर हमें एज इट इज लगा हुआ मिल जाएगा, जिसमें चारों बेड में कमरे लगे हैं, ड्राइंग रूम में सोफा सेट लगा है बड़ा शानदार, और 2 चिमनी लगी है किचन के अंदर। ये हमारा अटैच वाशरूम रहेगा जिसमें फिटिंग्स बिल्कुल कंप्लीट हैं और ऊपर तक की हाइट में टाइल लगे हैं, और सभी बाथ फिटिंग जो है हैवी है और ब्रांडेड है।
दोस्तों ओनर ने अपने लिए लिया था इसको, ज्यादा प्रॉपर्टी को समय नहीं हुआ बने हुए, 2 साल हुए हैं ओनर इसमें रहा भी नहीं है, किसी कारणवश फैमिली की किन्हीं कारणों से इनको इस प्रॉपर्टी से शिफ्ट करना पड़ा, मतलब कि और जगह इन्होंने अपना कोई प्लान कर लिया, तो इसलिए ये इनको सेल करना चाहते हैं। ये हमारा पीछे वॉशिंग एरिया रहेगा दोस्तों, खुला छोड़ा और बड़ा। और अब चलते हैं हमारे थर्ड रूम, इसलिए बोल रहा हूँ कि जो ड्राइंग रूम है वो इतना बड़ा है कि उसको एक सेपरेट रूम भी हम कह सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा थर्ड बेडरूम है, इसमें भी फुल हाइट के वार्डरोब्स बनाए गए हैं, काफी सुंदर स्टाइलिश कलर किए गए हैं, बेड भी मैचिंग के रखे गए हैं और फ्लीट बेड रखे गए हैं। सामने जो LED टीवी का पैनल है वो भी मैचिंग का रखा गया है, एक थीम बनाया गया है प्रॉपर, जैसे कि फ्लैट्स के अंदर बनाया जाता है। प्रॉपर्टी बिल्कुल वेल मेंटेन कंडीशन के अंदर है, सारे जो हैं जो फिटिंग्स हैं, बाथ फिटिंग्स हैं, वो सारी फंक्शनल हैं, सारी ऑपरेशनल हैं और अच्छी बिल्कुल वेल मेंटेन कंडीशन में पड़े हैं। सिर्फ इसका फिनिशिंग करवाना है, पेंट पॉलिश आप चाहो तो दोबारा करवा सकते हो, वरना क्लीनिंग करवा के आप इस कोठी के अंदर रह सकते हो। बिल्कुल ये ब्रांड न्यू कंडीशन के अंदर आपको ये कोठी, ये विला मिलने वाला है, जिसमें दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया 2 रूम सेट बोल सकते हैं हम, 2 रूम सेट नीचे है, 2 रूम सेट ऊपर है, टॉप फ्लोर पे एक बेडरूम एक वॉशरूम है। देखा जाए तो नीचे चाहो तो आप खुद रह सकते हो, ऊपर का पोर्शन अगर आप रेंट आउट करते हो 15,000 आपको उसको मिल जाएंगे और टॉप फ्लोर पे जो बेडरूम है 5,000 आपको उसको मिल जाएंगे। 20,000 का रेंटल इनकम आपको अपने ऊपर के फ्लोर से आता रहेगा। अगर आप यहाँ पे नहीं रहना चाहते, रेंटल इनकम ही यहाँ से अर्न करना चाहते हो, तो 15,000 नीचे के, 15,000 हम ऊपर के मानते हैं, टॉप फ्लोर के अगर हम काउंट करें तो 35,000 के करीब आपका यहाँ से रेंटल इनकम निकलता है, इस प्रॉपर्टी से निकलता है, जो कि अगर फर्नीचर डालते हो तो कम उससे ज़्यादा भी हो सकता है। दोस्तों ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है जो कि एज इट इज सेम, नीचे जो हमने देखा सेम उसी तरह का, ये जो है ऊपर का पोर्शन बनाया गया है, सेम किचन है, सेम ड्राइंग रूम, सेम बेडरूम और सेम वॉशरूम इसके अंदर रहने वाले हैं। यहाँ पे भी दोनों बेडरूम के अंदर आपको जो है अपना बेड लगा हुआ मिल रहा है। दोस्तों प्रॉपर्टी में देखा जाए तो बहुत सारी खासियत है, आप एक अच्छी रेंटल इनकम भी ले सकते हो, प्राइम लोकेशन पे प्रॉपर्टी आती है, लोअर टाउन के अंदर, सिटी जीरकपुर डिस्ट्रिक्ट मोहाली ट्राई सिटी चंडीगढ़ के अंदर ये लोकेशन आती है, जहाँ पे आपको 2 हाईवे कनेक्टिविटी मिलती है। साथ में इसके पास में बहुत बड़ा म्यूनिसिपल कमेटी का एक पार्क है, जहाँ पे आप सुबह शाम जाकर अपने टाइम को स्पेंड कर सकते हो। इसके आसपास में आपको सभी एमिनिटीज मिलने वाली है, जैसे मार्केट बोल सकते हैं, हॉस्पिटल, स्कूल और श्री मंदिर, श्री गुरुद्वारा साहिब, ये सभी एमिनिटीज आपको इस प्रॉपर्टी के आसपास में ही मिल जाएगी। दोस्तों प्रॉपर्टी की जितनी मैं खासियत बताऊँ उतनी कम है, सिर्फ फिनिशिंग का काम है इसमें, आप फिनिशिंग करके इसके अंदर रह सकते हो। प्रॉपर्टी बिल्कुल बजट में आपको मिलने वाली है और एक अच्छी रेंटल इनकम आपकी यहाँ से आ सकती है। 2 साल पहले प्रॉपर्टी बनी है, अभी बिल्कुल अभी इसके अंदर किसी ने रहा भी नहीं, किसी ने शिफ्ट भी नहीं, ब्रांड न्यू कंडीशन में आपको ये कोठी विला मिलने वाला है। दोस्तों तो इसकी जो भी जानकारी चाहिए आप हमें दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप इस पर लोन के माध्यम से लेना चाहो तो ओनर की तरफ से फुल खुली छूट है कि आप जितना चाहो इस पर लोन करा लो, उनको किसी तरह कोई ऐतराज नहीं है। तो दोस्तों इसी तरह की ढेर सारी प्रॉपर्टीज हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरह से हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल।